हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम एमकेजीसी स्मार्ट केमिस्ट्रिक्स में आपका वेलकम है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ये ट्रिक्स जो है इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं। अगर एक बार वंस यू क्लियर द ट्रिक्स, तो आपकी रास्ता आपका जो रास्ता है वो बहुत आसान सा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और हम अलग अलग टॉपिक से हम लोग ट्रिक्स को लेते हैं। आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर? एनसीईआरटी में क्लास 11th में ये टॉपिक होता है, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ली चेटलियर्स प्रिंसिपल। ये जो ली चेटलियर्स प्रिंसिपल है, इस पर प्रॉब्लम आती ही है। क्लियर? इसलिए मैं आती है, मैं बहुत दम लगा के कह रहा हूं कि आती ही है, और मैं इसको 5 स्टार रैंकिंग का टॉपिक दे सकता हूं। ये जहां मैं 5 स्टार लगाता हूं, इसका मतलब है कि यहां से प्रॉब्लम्स आती ही है। चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आईआईटी का दे रहे हैं, चाहे आप बोर्ड का दे रहे हैं, चाहे आप किसी टीचर का फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का दे रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का दे रहे हैं, किसी भी ग्रेड का एग्जाम जहां पर केमिस्ट्री आती है वहां पर ये क्वेश्चन आता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज ली चेटलियर्स प्रिंसिपल। ये ली चेटलियर्स प्रिंसिपल क्या है, ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस ली चेटलियर्स प्रिंसिपल। ऑल राइट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये है। तो ली चेटलियर्स प्रिंसिपल को मैं अगर समझाना चाहूं बहुत साधारण तरीके से, तो साधारण तरीका तो ये कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। ऑल राइट, इक्विलिब्रियम तो आप जानते हैं कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एंड दिस कन्वर्ट इंटू बी, लेकिन ये जो दोनों ही डायरेक्शन में रिएक्शन चल रही है, और अगर इस डायरेक्शन का रेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन का आरएफ, और इसका रेट है बैकवर्ड, अगर ये दोनों बराबर है तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। मींस ए कैन चेंज इनटू बी एंड बी आल्सो चेंज इनटू ए इन दिस रिवर्सिबल रिएक्शन विद सेम स्पीड, तो हम इसको बोलते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है, और उसमें आपने अगर कोई चेंज किया है, चेंज किसमें, कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, और मैं लिख सकता हूं प्रेशर में। क्लियर? और मैं लिख सकता हूं कैटलिस्ट को अगर आपने ऐड किया है किसी भी तरह के कैटलिस्ट को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, अगर आप कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट में कोई चेंज करते हैं, एनी चेंज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो याद रखिए इक्विलिब्रियम उसको बैलेंस करना चाहेगा। ऑल राइट, तो हमने लिखा है कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर इट कैन मिनिमाइज दिस इफेक्ट। वो जो आपने चेंज किया है वो मिनिमाइज हो जाए, इसको बोलते हैं ली चेटलियर्स प्रिंसिपल। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट है, तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, कि जब ए चेंज हो रहा है बी में, बी भी चेंज हो रहा है ए में, ये आपका रिएक्टेंट है इसको मैं आर से बताता हूं, ये आपका प्रोडक्ट है इसको मैंने पी से बताया। तो रिएक्टेंट चेंज इंटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चेंज इंटू रिएक्टेंट, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? इसके अगर कोई भी चेंज अगर हमने किया, क्या कौन सा चेंज, कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, कैटलिस्ट में, तो कीप इन माइंड इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जहां उसको शिफ्ट होने से वो जो इफेक्ट है वो न्यूट्रल या मिनिमाइज हो जाए। तो एक बार डेफिनेशन बोल के देख लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इफ एनी चेंज इज डन देन इक्विलिब्रियम विज शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेर इट कैन बी मिनिमाइज दिस इफेक्ट। क्लियर? ये आपको आना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट जब हम ली चेटलियर्स के ऊपर ट्रिक्स को पढ़ने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको पहले ली चेटलियर्स प्रिंसिपल आना चाहिए। आई थिंक सबके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि
कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर आप कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे कुछ चेंज, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डेड डायरेक्शन, मे बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जहां हटने से वो इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम ट्रिक्स की बात करते हैं, ट्रिक्स को देखते हैं। तो ट्रिक नंबर वन, हमने चार चीजों के बारे में बात की, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो ट्रिक नंबर वन फॉर कॉन्सेंट्रेशन, अभी कॉन्सेंट्रेशन चेंज की बात करेंगे ट्रिक नंबर वन में। तो ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन चेंज एट इक्विलिब्रियम, हम जो कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज एट इक्विलिब्रियम, ओके, कॉन्सेंट्रेशन चेंज एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। देखिए, एक रिएक्शन है आपके पास में, ए चेंज इंटू बी, बी चेंज इंटू ए, और यहाँ इक्विलिब्रियम सेटअप है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अगर दिस इज रिएक्टेंट, ये आप जानते हैं दिस इज रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट। सो अगर आपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया तो आपने किसको इंक्रीज कर दिया, इस साइड को। तो इक्विलिब्रियम हैज टू शिफ्ट इन ए डायरेक्शन टू डिक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, मतलब आपने अगर ए के कॉन्सेंट्रेशन को इक्विलिब्रियम स्टेट पे अगर आपने इंक्रीज किया है तो ली चैटेलियर से कहता है कि इस ए के कॉन्सेंट्रेशन को अब इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां हटने से आपने जो बढ़ाया है वो कम हो जाए वापस। इट मींस अगर आप रिएक्टेंट कॉन्सेंट, क्योंकि ये कब कम होगा, जब ये बी में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप इंक्रीज करते हैं, कीप इन माइंड इफ यू इंक्रीज द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन देन रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? व्हाई? बिकॉज ये फॉरवर्ड में चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एंड ए चेंज इन टू बी। क्लियर? ओके, तो इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, देन इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन टू मिनिमाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और टू डिक्रीज द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो ये इक्विलिब्रियम जाएगा जिससे ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए। ऑल क्लियर? नाउ आगे लेते हैं, अब हम बी की बात करते हैं। अगर हम बी की बात करें तो कीप इन माइंड, आप बी को अगर बात कर रहे हैं तो बी कहाँ है आपका, कीप इन माइंड बी आपका प्रोडक्ट है, दिस इज बी। तो बी के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम हैज टू शिफ्ट इन ए डायरेक्शन टू डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब इक्विलिब्रियम को उधर शिफ्ट होना पड़ेगा जिससे बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और बी का कब डिक्रीज होगा, व्हेन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बी तभी कम होगा व्हेन बी चेंज इन टू ए, और उसके लिए इसको चलना पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो एक बात क्लियर हो गई यहां पर, आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, कि कंक्लूड भी हम कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनीथिंग इंक्रीजेज इन रिएक्शन देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट देन इक्विलिब्रियम विल डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन। आप किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाए, एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर आप किसी की कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम विल इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां वो कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। क्लियर? और फाइनली एक बात तो आपको आनी ही चाहिए कि अगर आप रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं देन कीप इन माइंड रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मींस इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर शिफ्ट होने से कॉन्सेंट्रेशन मिनिमाइज हो जाए। ऑल क्लियर? ये मेरी पहली ट्रिक थी, इसको ध्यान दीजिए तो बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है, करके देखते हैं। चलिए, एक थोड़ा सा स्पेशल केस भी है, तो यहां हम इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज में स्पेशल केस, दिस इज वेरी स्पेशल केस। बच्चे गलती कर देते हैं, आपसे ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा स्पेशल केस। क्लियर?
और इस स्पेशल केस को मैं इसे इसलिए कहता हूं कि केमिस्ट्री में जब भी कभी कोई स्पेशल होता है तो लव स्पेशल केस, क्लियर, लव स्पेशल केस, क्योंकि वो एग्जाम में आते ही हैं। जैसे ए प्लस बी चेंज इनटू सी प्लस डी, इक्विलिब्रियम सेटअप है, यहां लिख देते हैं इक्विलिब्रियम, एंड दिस रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, ये इनकी इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो आज एक बात आपको फिक्स कर लेनी है कि कभी भी रिएक्शन के अंदर अगर सॉलिड आ जाए, कभी भी रिएक्शन के अंदर अगर सॉलिड आ जाए, तो इफ एनी चेंज, इफ यू चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, मैंने कहा कभी भी सॉलिड आ जाए, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, कुछ भी कर सकते हैं, नो चेंज ऑन इक्विलिब्रियम इन एनी कंडीशन। ये पहले आपको दिमाग में फिट कर लेना चाहिए कि रिएक्शन में जैसे ये एक ही पार्ट सॉलिड था, इसके कॉन्सेंट्रेशन को चाहे आप इंक्रीज करिए, चाहे इसके कॉन्सेंट्रेशन को आप डिक्रीज करिए, ओके, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यूनिटी, मतलब कोई चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कोई इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना था तो ये गैस है, गैस है, तो इफ यू वॉन्ट टू राइट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, तो केसी इज इक्वल टू, ये कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओनली। सोलिड को कभी भी रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म में नहीं करते हैं, क्योंकि उसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। कीप इन माइंड, अगर आपको केपी लिखना है तो डेफिनेटली पी लिखेंगे, पीसी इंटू पीडी अपॉन पी बी, ये आप ए को नहीं लिखेंगे बिकॉज ए यहां पर सॉलिड है। ऑल क्लियर? तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूनिट होता है, नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए आप उसको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लिखते समय नहीं काम में लेते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल कोई कोफिशियंट भी दिया हुआ है रिएक्शन में, ए प्लस टू बी टू सी, लेकिन ये सॉलिड है, हमने आपको पहले ही कह दिया कि सॉलिड पे फोकस नहीं करना, इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो केसी इज इक्वल टू सी, बट कोफिशियंट टू है तो ये पावर में जाएगा, आपको लिखना आता है, फिर डी कोई कोफिशियंट नहीं है, फिर बी कोफिशियंट टू है तो पावर में जाएगा, केपी लिखना है तो पी सी पावर टू, क्योंकि इसका कोफिशियंट टू है, पी डी और पी बी टू, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये दिस द वे बाय विच यू कैन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केसी एन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट केपी इन केस ऑफ गैसियस स्टेज। ओके, तो ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज था। तो कंक्लूजन क्या किया, इन केस ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट पे, अगर रिएक्शन में सॉलिड है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ भी होता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन को इफ यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस देयर कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी करिए, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम बिकॉज उसके कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो आई होप यू लाइक दिस ट्रिक, इससे आपके कॉन्सेंट्रेशन चेंज के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये पहला था पार्ट जिसको मैंने कॉन्सेंट्रेशन कहा, अब हम दूसरा लेते हैं फैक्टर, वो टेम्परेचर का फैक्टर लेते हैं। तो पहले आपको आना चाहिए कि टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे क्या होगा, दिस इज ट्रिक नंबर टू। तो देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले आपको आना चाहिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्लियर, वन इज एंडोथर्मिक एंड अनदर इज एक्सोथर्मिक। पहले दिमाग में फिट कर लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक, क्लियर। तो एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्शन इन विच हीट रिलीजेस, उसको आप कहेंगे एक्सोथर्मिक, लेकिन द रिएक्शंस इन विच हीट एब्जॉर्ब्स उसको आप कहेंगे एंडोथर्मिक। तो ये चीज तो बहुत इजीली आपको आ जाएगी, और अगर रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन से बताएंगे एंथैल्पी या हीट को, और अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो कोई भी चीज लेंगे तो प्लस ही होता है ना भैया, पॉकेट में अगर पैसा डाला है तो पॉकेट में मनी बढ़ेगा ना, पॉजिटिव प्लस अगर निकाला है तो क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये कॉमन सी चीज है, इसको ध्यान में रखना है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक तो आपको आ गया, ठीक है जी, आगे चलते हैं। चलिए, अब आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, देख रहे हैं आप ए प्लस डी, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो जो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, नेगेटिव साइन से बताएंगे,
बिकॉज हीट रिलीज हो रही है, रिलीज के लिए कम हो रही है, ऑल राइट, और एब्जॉर्ब तो उसको हम पॉजिटिव साइन से बताएंगे। तो किसी भी रिएक्शन के लिए अगर इफ यू हैव प्रोवाइडेड डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इसमें अब गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर दो तीन और तरीके हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हीट को आपने यहां पर राइट हैंड साइड में लिखा है, ठीक है, तो कीप इन माइंड इसका मतलब है राइट हैंड साइड में लिख रहे हैं प्रोडक्ट के साथ में, विथ प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं, तो कीप इन माइंड हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसा भी जब कभी होगा तो आप बोलेंगे अगर प्रोडक्ट साइड में तो दिस इज एक्सोथर्मिक, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है क्योंकि इसमें रिलीज हो रही है, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। सो दीज आर द वे टू रिप्रेजेंट द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आपने यहां पर राइट हैंड साइड में लिखा है लेकिन साइन कौन सा है, नेगेटिव है, इट मीन्स बहुत क्लियर सी बात है कि अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये एब्जॉर्ब किया, क्लियर, तब जाके ये सी और डी में कन्वर्ट हुआ। तो दीज आर द वे, या तो डेल्टा एच आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा या राइट हैंड साइड में प्लस लगाना पड़ेगा या लेफ्ट हैंड साइड में माइनस लगाना पड़ेगा, या तो आपको पॉजिटिव लिखना पड़ेगा राइट, या फिर आपको नेगेटिव राइट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा या पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा। सो दीज आर द वे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देख लीजिए, बड़ा क्लियर सी बात है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको मालूम है कि या तो आप राइट लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस लगा रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर आपको लिखना होता ये इधर जाता तो ये आपका क्या होता, प्लस होता, ये आपको मालूम है। तो कीप इन माइंड आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इट मीन्स आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हैं या टेम्परेचर वैसे ही निकल रहा है, क्लियर, आप यहीं लिखते थे ये निकल रहा है और यहां आप इसको बढ़ा रहे हैं। तो हमने कहा है कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन डेड डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट विल बी मिनिमाइज, तो इक्विलिब्रियम तो टेम्परेचर को कम करना चाहेगा ना भाई, तो इधर जाने पर तो टेम्परेचर निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, तो कम करने के लिए इधर जाना पड़ेगा भैया। मतलब अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया इन एंडोथर्मिक रिएक्शन तो रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए हम आपको फिर समझा रहे हैं, ठीक है, दिमाग को शांत करके समझने की कोशिश करिए कि अगर आपने यहां पर बढ़ाया टेम्परेचर, मतलब राइट हैंड साइड के अंदर प्रोडक्ट साइड में है तो बढ़ा ना, अब इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट होना है, जहां से मिनिमाइज हो जाए तो ये कहाँ चलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऑल क्लियर। लेकिन अगर हम आपको यहां पर देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब आप टेम्परेचर को इनके एंडोथर्मिक रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तो आपने यहां पर भी तो टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसको मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करने के लिए रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों चीज आप लोग नहीं भूलेंगे कि टेम्परेचर ये ट्रिक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड, टेम्परेचर इंक्रीजेज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। क्यों, क्योंकि आपको रीजन दिया है हमने, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एनर्जी रिलीज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब एनर्जी आपका रिलीज हो रहा है तो और आप एनर्जी को बढ़ा रहे हो तो फिर तो उसको बैकवर्ड में जाएगा तभी वो कंज्यूम होगी, क्योंकि फॉरवर्ड में अगर रिलीज हो रही है तो बैकवर्ड में क्या होगी, कंज्यूम होगी। और यहां हमने दिया है कि अगर टेम्परेचर एंडो एक्सोथर्मी बढ़ाया तो बिकॉज एनर्जी एब्जॉर्ब इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो आपको अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो एब्जॉर्ब कब होगी, जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, क्लियर। तो ये आपका सेकंड ट्रिक हुआ, इसको भूलना नहीं है, आई थिंक आसान है, एक दो बार सुन सकते हो लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए एक तो रिप्रेजेंटेशन का वे, कि या तो नेगेटिव साइन से या राइट हैंड साइड में प्लस साइन से या लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्सोथर्मिक, लेकिन एंडोथर्मिक पॉजिटिव साइन से या राइट हैंड साइड में नेगेटिव से या फिर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव से, और टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड में चलेगा,
एंडोथर्मिक में बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड में चलेगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी रिलीज होती है तो, और आप बढ़ा रहे हैं तो बैकवर्ड में जाना पड़ेगा, यहां पर एब्जॉर्ब होती है आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो इसको फॉरवर्ड में जाना पड़ेगा, तब वो कम होगी। अल्टीमेटली हमारा पर्पज ये है कि इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन डेड डायरेक्शन वेयर द इफेक्ट विल बी मिनिमाइज। ऑल क्लियर, ये सेकंड ट्रिक आपको समझ में आ गई। अब हम थर्ड ट्रिक की बात करते हैं और वो है प्रेशर पे। ट्रिक नंबर थ्री, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, ये ट्रिक नंबर थ्री है आपका। ये बड़ी आसान सी ट्रिक है। आप ये सब जानते हैं कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये गैस है, गैस के ऊपर ये पिस्टन है, पिस्टन पे आपने प्रेशर लगाया। तो क्या होगा जब आप प्रेशर को इसके ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं, तो पहले वॉल्यूम V1 था, अब आपको एक लो होता है, बॉयल्स लो कहते हैं उसको। बॉयल्स लो होता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप एक चैप्टर में पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, मतलब रूल है कि अगर आप दाब प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम कम ही होना है, सीधी सी बात है, कम होना है। तो कीप इन माइंड ये वॉल्यूम कम हो गया, मतलब V1 ज्यादा था, V2 कम हो गया, V1 इज मोर देन V2। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर को इंक्रीज किया। तो पहले ये आपको आना चाहिए कि प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है? तो अब आप बॉयल्स लो, आप जानते हैं बॉयल्स लो क्या कहता है कि प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम विल बी डिक्रीजेस। तो आपने जब प्रेशर को बढ़ाया तो सेकंड वाले डायग्राम में वॉल्यूम कम हो गया, ये तो क्लियर है। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू सच ए डायरेक्शन टू डिक्रीज द प्रेशर। अब प्रेशर डिक्रीज कब होगा भाई? जब वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब ये सब किस पे डिपेंड करता है? गैस के मोल्स पर। तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मोल्स से थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी तक एक चीज क्लियर हुई है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं उस एरिया में, लेकिन प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी उस यूनिट एरिया में कम हो जाते हैं। सोच के देखिए, एक इतना बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और एक इतना एक एक, एक छोटा सा बॉक्स दे दिया। अब आप सोचिए कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आप क्या देख रहे हैं? इतने से एरिया के अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ गए, तो प्रेशर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स आल्सो इंक्रीजेस, और प्रेशर डिक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स। अब प्रेशर को डिक्रीज किया तो इतना हो गया, तो पर एरिया के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, ठीक है? तो एक बात और क्लियर हो गया कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी गैस के बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। मैं इसको और समझाऊं, तो आप एक रूम में 10 लोग बैठे हुए हैं और एक ग्राउंड में 10 लोग बैठे हुए हैं। आप खुद देखिए एरिया के साथ में, ग्राउंड में आपको नंबर ऑफ मोल्स आपके पर यूनिट एरिया कम हो जाएंगे, ठीक है? अब करके देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। N2+3S2 इज इक्वल टू ट्वाइस NH3, ठीक है? दिस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया का फॉर्मेशन का है। तो आगे जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 मोल होता है, 3 है तो 3 मोल, तो आपका रिएक्टेंट 4 मोल्स हो गया, कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड में। और प्रोडक्ट आप 2 है कोफिशियंट, तो 2 मोल हो गया, कहां पर? राइट हैंड साइड में। अब अगर आप हेबर्स प्रोसेस में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इफ यू इंक्रीज द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो हमने आपसे कहा है कि अगर आप प्रेशर को कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या चाहता है? कि प्रेशर कम हो जाए, यही चाहता है, क्योंकि इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो यही करना पड़ेगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात आपके दिमाग में पहले घूमनी चाहिए कि अगर आपने इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को, प्रेशर को इंक्रीज किया है, तो इन सब टू सच डायरेक्शन, शिफ्ट टू सच डायरेक्शन प्रेशर डिक्रीज हो जाए। मींस प्रेशर डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने कहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाना चाहिए। इट मींस अब आप हेबर प्रोसेस को देखिए। अगर आप हेबर प्रोसेस की रिएक्शन को देखेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली ये वहां शिफ्ट होगा जब प्रेशर डिक्रीज हो जाए। प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए। तो यहां पर 4 मोल था, तो दिस प्रेशर को इंक्रीज करने पर दिस रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन,
जिससे नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो गए। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इधर फोर थे, देखिए फिर बता देते हैं आपको, इधर फोर मोल्स थे, आपने इस रिएक्शन पे इक्विलिब्रियम पे प्रेशर को आपने इंक्रीज किया, तो हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम ये कहता है कि भाई प्रेशर कम हो जाए, तो डेफिनेटली प्रेशर कम कब होगा, जब नंबर ऑफ मोल्स भी कम हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन में इधर फोर है इधर टू है, तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी कम होने चाहिए। तो लिखा है डायरेक्शन, तो इनहेबर्स प्रोसेस प्रेशर इंक्रीजेस, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड रिएक्शन टू डिक्रीजेस प्रेशर, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑल्सो डिक्रीजेस। रिएक्शन को एक बार देख लीजिए, प्रेशर को बढ़ाने पर फोर से टू मोल की तरफ रिएक्शन चलेगी। ऑल क्लियर। चलिए फाइनली हम एक और ट्रिक लेते हैं, और वो है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है, बढ़ाएगा तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट हम बोलेंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है, बढ़ाएगा तो उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को डिक्रीज भी कर सकता है, तो उसको नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट लोगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन की रिएक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन अगर नेगेटिव लोगे तो दोनों की, फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, दोनों की रिएक्शन की रेट जो है वो कम हो जाएगी। एक बात को ध्यान में रखना है, क्लियर? पॉजिटिव कैटलिस्ट और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट और रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे। जब ये कॉन्स्टेंट है फॉरवर्ड के लिए, ये कॉन्स्टेंट है बैकवर्ड के लिए, तो आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, के एफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ फॉरवर्ड, के बी रेट कॉन्स्टेंट ऑफ बैकवर्ड। तो के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या होगा? के एफ अपॉन के बी। तो एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए के एफ अपॉन एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए के बी। इट मीन्स ये आपको कुछ बहुत स्पेशल चीज बताना चाहता है, और स्पेशल चीज ये बताना चाहता है कि अगर फॉरवर्ड में जो चेंज होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो बैकवर्ड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो वन होता है। आईआईटी नीट का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इफ कैटलिस्ट एडेड एट इक्विलिब्रियम। आईआईटी नीट का एक क्वेश्चन है कि इफ कैटलिस्ट एडेड एट इक्विलिब्रियम ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस बाय टू टाइम्स, ऑल राइट, तो क्या बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीजेस बाय 1.4 टाइम, या इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेस बाय टू टाइम्स तो बैकवर्ड भी टू टाइम्स। हमने आपको अभी अभी समझाया है, अभी अभी आपको बताया कि ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि हमने कहा है कि जो फॉरवर्ड के साथ में होगा वही बैकवर्ड के साथ में होगा, जो फॉरवर्ड के साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बराबर होगा आपके बैकवर्ड के साथ में, क्योंकि हमने कहा है कि के इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू, ये वन होना चाहिए। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट रोंगे, अगर इंक्रीजेस बाय फोर होता तो ये भी फोर होता, थ्री होता तो थ्री होता, फाइव होता तो फाइव होता, तो ये 1.4 या 1.5 या 2.4 नहीं होगा। ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन कैटलिस्ट एडेड एट इक्विलिब्रियम, केसी कंपोजिशन एंड हीट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कभी चेंज नहीं होगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बना, जैसे आपसे कहा कि इस रिएक्शन के लिए मान लीजिए 4.5 थी, कैटलिस्ट डालने पर आपका जो फॉरवर्ड का 4.5 था, तो बैकवर्ड का क्या होगा? वो भी 4.5 ही होना चाहिए। कंपोजिशन अगर 3 मोल था तो वो भी 3 ही होना चाहिए, लेकिन टाइम विल बी रिड्यूस, क्योंकि कैटलिस्ट विल इन स्पीड अप द रिएक्शन। इसलिए अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला है तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, मतलब स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, लेकिन टाइम को कम कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिएक्शन मान लीजिए कैटलिस्ट डालने से पहले 10 मिनट्स में हो रहा तो कीप इन माइंड आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट टाइम रिड्यूस ही होगा, वो 5 मिनट में होगा, टाइम रिड्यूस होगा। क्लियर? तो टाइम विल बी रिड्यूसेस, चेंज हो सकता है, स्पीड विल बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वो डिपेंड करेगा आपको कौन सा कैटलिस्ट दिया है। दिस इज ऑल अबाउट ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। होप यू एंजॉय दिस ट्रिक।
और अगर आपके पास ये ट्रिक है तो मैंने आपसे कहा था लव दिस टॉपिक बिकॉज ये आपके एग्जाम में आएगा ही, इसलिए मैंने कहा लव दिस टॉपिक, बहुत सारे लव बना दिए मैंने इस टॉपिक को, अच्छी तरह से देख लीजिए, इतने आसान से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, सो आई होप यू एंजॉय दिस ट्रिक, एंड इफ यू एंजॉय दिस, इफ यू लाइक दिस, देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लियर, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, क्लियर, और वो भी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को और बोर्ड को बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सके। और किस किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे तो मैं उसी की आपको बनाकर सारे के सारे आपको ट्रिक्स को मैं भेज सकता हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, हिंदुस्तान का कोई भी, दुनिया का कोई भी केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी ग्रेड की हो, आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, राइट फ्रॉम क्लास 10 टू ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।